मोटर वे ज्यादती केस में पुलिस की नाहली, आबिद मलिक की जेरे हिरासत। अहलिया की निशानदही पर पुलिस ऑपरेशन में मुलजम फिर चकमा देकर फरार। आबिद की इत्तिला एडिशनल आईजी सीटीडी के आबाई गांव राजा जंग में मिली। पुलिस के चार अफसर राजा जंग घर में मौजूद थे। आबिद पुलिस की मौजूदगी में खेतों में छुपकर फरार हुआ। पुलिस 5 घंटे तक तलाश करती रही। पुलिस ने मुलजम की गिरफ्तारी के लिए दरबारों और आस्थानों पर फोकस कर लिया। उधर मुतासरा खातून ने मुलजम आबिद और शफकत को शनाख्त कर लिया। वजीर इत्तला पंजाब फयाजुल हसन का दावा, बोले मोटरवे केस में हुकूमत ने कोई ड्रामेबाजी नहीं की। रायवेंड डकैती केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ, पुलिस ने 2 मुलजम गिरफ्तार कर लिए। वाकई में मुलविस मुलजमान के खातून के रिश्तेदार होने का इंकशाफ। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुलजमान की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी। उधर सोशल मीडिया पर लड़की को धमकियां देने वाला 1 साल बाद पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजम के वालिद को भी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजम अब शाम 1 अरसे से मुतासरा लड़की को हिरासत करने में मुलविस था। शादी हॉल्स मालिकान के लिए जीरो टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। काबीना कमेटी बराए फाइनेंस के इजलास में 5% महसूल वसूली बरकरार रखने का फैसला। इजलास में सेक्रेटरी खजाना अब्दुल्ला सुंबल बोले, कोरोना की वजह से ही शादी हॉल्स पर टैक्सेस का बोझ कम किया गया है। तालीम की दुनिया से बड़ी खबर, हायर एजुकेशन कमीशन का प्राइवेट बीए के इम्तिहानात पर पाबंदी का फैसला। 2021 से प्राइवेट इम्तिहान की इजाज़त नहीं होगी। वर्चुअल अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ही इम्तिहान लेने की इजाज़त होगी। प्राइवेट इम्तिहानात खत्म होने से सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की आमदन का बड़ा हिस्सा बंद हो जाएगा। रेस्क्यू 1122 अफसरान की गफलत और बेजाबतियों का शिकार। 2017 में फंड्स मुकर्रर होने के बावजूद 325 एम्बुलेंसेस की खरीदारी ना हो सकी। ताखिर कौमी खजाने के लिए घाटे का सौदा साबित। 25 लाख की एम्बुलेंस आज 75 लाख की हो गई। उधर तर्जुमान रेस्क्यू फारूक अहमद कहते हैं, रेस्क्यू 1122 की खरीदारी में कोई माली बेजाबती नहीं हुई। कौमी एयरलाइन का अहम ऐलान, शेरख्वार बच्चों के लिए मुल्क की परवाजों पर सफरी सहूलियात मुफ्त कर दी गई। वालिदैन 2 साल तक के बच्चों को हवाई सफर पर बगैर किराया ले जा सकेंगे। उधर PIA का सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए खसूसी परवाजें चलाने का फैसला। मुसाफिरों की बुकिंग शुरू कर दी गई। PIA पाकिस्तान से सऊदी अरब की हफ्तावार 23 परवाजें चला रहा है। 30 सितंबर तक जद्दा, मदीना, रियाज और दमाम के लिए मजीद 28 परवाजों की इजाज़त भी तलब कर ली गई। बोर्ड का रवां साल मैट्रिक के तलबा को पोजीशंस ना देने का फैसला। इजाजी तकरीब मंसूख, रवां साल तलबा को नंबर्स की बजाय सिर्फ ग्रेड्स अता होंगे। इंटर में दाखिले भी ग्रेड्स की बुनियाद पर ही दिए जाएंगे। चेयरमैन बोर्ड प्रोफेसर रियाज हाशमी का ऐलान। उधर लाहौर बोर्ड ने सोशल मीडिया पर मैट्रिक रिजल्ट से मुतालिक खबर गलत करार दे दी। चेयरमैन बोर्ड प्रोफेसर रियाज हाशमी के मुताबिक ताहाल मैट्रिक के नताज की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। वॉल्टन एयरपोर्ट पर दौरान लैंडिंग तरबियती तैयारी को हादसा। महकमा सिविल एविएशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे। निजी कंपनी लाहौर फ्लाइंग क्लब के बाकी तमाम तरबियती जहाजों को इंस्पेक्शन मुकम्मल होने तक ग्राउंड कर दिया गया, जबकि इब्तदाई तहकीकात में खातून पायलट हादसे की कसूरवार करार। खातून पायलट जहाज की लैंडिंग से पहले मोबाइल से वीडियो बनाने में मसरूफ रही। दौरान परवास खातून पायलट की बनाई हुई मोबाइल वीडियो सिटी 42 ने हासिल कर ली।
शराब लाइसेंस इजरा केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। नैब लाहौर ने साबिक डीजी एक्साइज और टैक्सेशन अकरम अशरफ गोंदल को गिरफ्तार कर लिया। जिस्मानी रिमांड के हुसूल के लिए आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब तहकीकात के मुताबिक मुलजम ने कानूनी मंदरजात को मद्देनजर रखे बगैर निजी होटल को L2 कैटेगरी लाइसेंस के इजरा में कलीदी किरदार अदा किया। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राय केस, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में लीगी रहनुमाओं की दरख्वास्तें जमानत पर समाअत। राव शहाबुद्दीन और सैफुल मलूक खोखर समेत 15 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 22 सितंबर तक तौसी। जज अरशद हुसैन भुट्टा ने समाअत की। शहबाज शरीफ फैमिली के असास से मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त, एहतसाब अदालत में वकला ने बहस के लिए वक्त मांग लिया। जज जवादुल हसन ने समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर में नेबरहुड काउंसिल और विलेज पंचायत के इंतखाबात 19 दिसंबर को कराने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के सरबराहान के इंतखाबात के लिए 30 जनवरी 2021 की तारीख मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। तारीख के हवाले से नोटिफिकेशन 2 अक्टूबर को जारी होगा। पिछली हुकूमत अगर 10 साल में रेस्क्यू 1122 की बेहतरी के लिए काम करती तो ये इदारा कहां से कहां पहुंच जाता। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की असेंबली की स्पेशल कमेटी नंबर 13 से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा महकमे पिछले 10 सालों से लावारिस हो गए, अब रेस्क्यू 1122 के तैयार स्टेशन को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घूमन से ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट मालिकान की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मालिकान के मसाइल बारे आगाह किया। कमिश्नर ने मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करवाई। इंतजामिया को बाबू साबूता बत्ती चौक ट्रैफिक मैनेजमेंट का टास्क सौंप दिया गया। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की जेर सदारत इजलास का इनेकाद। ताजपुरा और शेरांवाला गेट पर जेर जमीन वाटर टैंक बनाने पर बातचीत हुई। इनवायरो कंसल्टेंट के नुमाइंदगान और वासा अफसरान ने तजावीज और सिफारिशात पेश की। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने कहा कि अगले साल मानसून से पहले टैंक्स की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। टैंक्स की तामीर से तूफानी बारिशों की निकासी में मदद मिलेगी। वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल की लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी आमद। वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्जा और असातिज़ा कराम की जानिब से वज़ीर मुमलिकत का इस्तकबाल। काला शाह काकू कैंपस में शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह से खिताब में आलूगी से बचाव के लिए ग्रीन एंड क्लीन माहौल के क्याम पर जोर दिया। अलहमरा आर्ट गैलरी में खताती की नुमाइश का इनेकाद। मुल्क भर के 100 से ज्यादा खतातीन के 150 फन पारे आवेजा किए गए। नुमाइश लोहो कलम के साथ वर्कशॉप और मुकाबला मुसवरी का भी इनेकाद। सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवाबक ने चेयरपर्सन मुनीजा हाशमी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समन राय के हमराह नुमाइश का इफ्तिताह किया। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुलते ही खवातीन हॉकी खिलाड़ियों ने मामूल के मुताबिक ट्रेनिंग शुरू कर दी। कहती हैं पढ़ाई के साथ खेल की ट्रेनिंग के बाद इवेंट शुरू होने का इंतजार है। जबकि कोच मुश्ताक अहमद ने कहा खिलाड़ियों को आने वाले इवेंट्स के लिए भरपूर तैयारी करवा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल की लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी आमद। वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्जा और असातिज़ा कराम की जानिब से वज़ीर मुमलिकत का इस्तकबाल। काला शाह काकू कैंपस में शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह से खिताब में आलूगी से बचाव के लिए ग्रीन एंड क्लीन माहौल के क्याम पर जोर दिया। अलहमरा आर्ट गैलरी में खताती की नुमाइश का इनेकाद। मुल्क भर के 100 से ज्यादा खतातीन के 150 फन पारे आवेजा किए गए। नुमाइश लोहो कलम के साथ वर्कशॉप और मुकाबला मुसवरी का भी इनेकाद। सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवाबक ने चेयरपर्सन मुनीजा हाशमी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समन राय के हमराह नुमाइश का इफ्तिताह किया। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुलते ही खवातीन हॉकी खिलाड़ियों ने मामूल के मुताबिक ट्रेनिंग शुरू कर दी।
कहती हैं पढ़ाई के साथ खेल की ट्रेनिंग के बाद इवेंट शुरू होने का इंतजार है। जबकि कोच मुश्ताक अहमद ने कहा खिलाड़ियों को आने वाले इवेंट्स के लिए भरपूर तैयारी करवा रहे हैं। और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर प्लाक की रौनकें बहार। लॉकडाउन के बाद पहली सूफी नाट का अहतमाम। नामवर फोक गुलकार साईं जहूर ने कलाम पेश करके खूब समा बांधा। साईं जहूर ने मारूफ शौरा और सूफिया कराम के कलाम अपने मुनफरिद अंदाज में परफॉर्म किए। शुरका ने दिल खोल कर दाद दी।